मैंने रिसेंटली एक पार्ट खरीदा है बजाज के, तो ये है RS 200 का स्विच गियर। ये मैंने लिया इसलिए क्योंकि मुझे अपने बाइक की स्विच गियर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़। ये स्विच गियर जो है काफ़ी बेटर है, जो अपने स्टॉक होंडा हॉर्नेट में आती है उससे तो काफ़ी बेटर है। पल्सर्स की रियली अभी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्विच मैंने लगाया है, एक राइट साइड स्विच है जहाँ पे किल स्विच भी मेरे काम हो रहा है और बाकी सारे स्विचेस भी एज इट इज़ काम हो रहे हैं जैसे से काम होना चाहिए। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं ये सारे स्विचेस जो है इसकी क्वालिटी बहुत डिसेंट है। और अभी मैंने जो है पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी है तो मेरे सारे LEDs जो है अभी ऑन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ये सारे जो लाइट्स है सब फंक्शनल कर रहे हैं अच्छे से। इवन मेरा जो मीटर स्क्रीन है उसके जो लाइट है वो भी बैकलाइट भी अच्छे से काम कर रहा है डिजिटल स्पीडोमीटर का। और अब मैं आगे आपको ले आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा LED सेटअप है वो अच्छे से काम हो रहा है बाइक में। और मैंने जो है यहाँ ब्लू DRL फिक्स किया है जो बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और साथ ही मैंने इन्हें कंपनी करने के लिए ये कलर जो कंट्रास्टिंग रखे सो उसके लिए मार्किंग लाइट्स ब्लू कर लिया है। मैंने कोई भी बल्ब लाइट मैंने रखा नहीं है, सारे LED कर लिए ताकि जो पावर बैटरी कंजम्पशन है वो कम हो जब मैं लाइट्स ऑन करूं या और बाइक मेरा रनिंग में नहीं हो, तो इससे क्या है मेरा बैटरी का लाइफ जो है थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बाइक मेरा स्टार्ट हो रहा है एज इट इज़ जैसे स्टार्ट होना चाहिए और बाकी स्विचेस भी काम कर रहे हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने हेडलाइट ऑन कर लिया है, तो यहाँ से हेडलाइट जैसे स्विच दिया गया है वैसे मैंने ऑन किया हेडलाइट। तो हेडलाइट ऑन करने के बाद तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये हाई बीम जो है हाई बीम काम कर रहा है कि नहीं, तो ये मेरा हाई बीम अच्छे से काम कर रहा है। और इंडिकेटर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे इंडिकेटर्स भी सही से काम कर रहे हैं। ये इंडिकेटर स्विच जो है काफ़ी स्विफ्ट है, अगर आप देखेंगे ये काफ़ी स्विफ्ट है, मतलब बहुत इजीली मूव होता है। पहले वाला जो स्विच था जो होंडा का स्विच था वो काफ़ी टाइट था, मतलब इसे ऐसे पुश करने के लिए भी आपको थोड़ा हल्का सा दबाव डालना पड़ता था, बट इसमें बिल्कुल आपको दबाव नहीं डालना पड़ता है, ये इजीली आपका स्विफ्ट मतलब शिफ्ट हो जाता है अगर राइट की तरफ कर रहे हैं और अगर लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं, तो ये आपका जो स्विच है ये काफ़ी अच्छे से शिफ्ट हो जाता है। और ये इसका पास लाइट भी देखिए आप अच्छे से काम हो रहा है। और ये जो स्विच मैंने लगाया है ये हजार्ड इंस्टॉलेशन का स्विच है, तो बेसिकली अगर मैं इस स्विच को ऑन करके और मैं इंडिकेटर्स को डाल देता हूँ तो मेरे दोनों तरफ के इंडिकेटर्स जो है वो ऑन हो जाएगी और कुछ ऐसे लगेगी बाइक इस टाइम।
तो ये बेसिकली काम आता है जब मैं हाईवे पे होता हूँ, तो ये स्विचेस जो है बहुत हेल्प करती है जब मैं पार्क कर रहा हूँ, सडन पार्किंग कर रहा हूँ या फिर कोई इंडिकेशन दे रहा हूँ, तो उसमें बहुत काम आते हैं। ये जो स्विच है ये मेरे फॉग लाइट की स्विच है, तो इसे ऑन करने से मेरा फॉग जो है ऑन हो जाते हैं। तो इसका भी मैं अलग से आपका वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा फॉग लाइट इंस्टॉल किया है और वो कितने प्राइस में आती है उसका, और जो मैंने एलईडी लाइट्स जो बाइक में लगाई है इनका भी मैं अलग से रिव्यू करूंगा आपको। और इस चीज़ के लिए आपको मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आई होप कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो। और आपको अगर कोई भी कमेंट्स आपको अगर देने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे उसको शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और बेहतर तरीके से वीडियोस को प्रेजेंट कर सकूं।